पीएमए हॉस्पिटल रूम में इस वक्त एज यू कैन सी काफी अच्छा हॉस्पिटल रूम इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे एक दो घंटे तीन घंटों में इंशाल्लाह होपफुली हमारी यू नो बच्चे की डिलीवरी होगी और कैन वेट टू सी रेडी है मामू फिर है या नहीं रेडी चलो जी हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स क्या हाल चाल है दिस इज द बॉय मूसा खाना और सीन ये है कि वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग इसमें मेरा चौथा बच्चा होने वाला है बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये मेरा पहला ही बेबी होने वाला है हमारी फिजा थोड़ी पेन में इस वक्त साथ है मैं ज्यादा टिका नहीं सकता अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं जल्दी से जाके देखते हैं कि क्या बनता है यू नो इज शी रेडी सारा दर्द बेचारी को संभालना पड़ रहा है बड़ा मुश्किल काम है मेरा यू नो नहीं है मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त बेचारी इस वक्त काफी पेन में है ये है भी ऐसी चीज कि इसके लिए बंदा कुछ कर भी नहीं सकता एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे जाके फिर आपसे बाकी मुलाकात करते हैं फिजा को मैंने वो इमरजेंसी वाली जगह पे ड्रॉप कर दिया है और पीछे देखो जरा बेबी का हमने वो भी रखा हुआ है पीछे हमने ये बेबी की कार सीट भी रख लिया सब कुछ रेडी किया हुआ है बैग्स भी रखे हुए हैं सारे हम तो पूरी वही सामान की पैकिंग वगैरह करके आए थे बाकी वो सामने है इमरजेंसी तो वहाँ पे इस वक्त हम जा रहे हैं हमारा फिजा वेट कर रही है तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं भाई लेकिन व्लॉग नहीं रुकना चाहिए लेबर एंड डिलीवरी फॉर हर भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि हम हैं अभी हॉस्पिटल वार्ड में और आप देख रहे होंगे मेरे कपड़े चेंज हो गए तो सीन ये कि जो हम आए थे कल रात को उन्होंने डॉक्टर ने वापस भेज दिया तो उन्होंने कहा था अभी भी यू आर नॉट क्वाइट रेडी अगले दिन फिर यू नो दोबारा फिजा को काफ़ी ज़्यादा पेन हुई लेकिन इस टाइम पे वी वर एक्चुअली रेडी व्हेन वी केम और डॉक्टर ने कहा कि हाँ भाई अब तो सीन है कि होएगा आज ही तो आज है 24 जुलाई पता नहीं कि मैं कब पोस्ट करूँगा ये बाकी अभी हम ये हॉस्पिटल रूम में इस वक्त एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल रूम मैंने दिया हुआ है यहाँ पे आई थिंक कुछ घंटों में एक दो घंटे तीन घंटों में इंशाल्लाह होपफुली हमारी यू नो बच्चे की डिलीवरी होगी और कैन वेट टू सी इट आपको ये दिखाता हूँ एक चीज़ ये देखो उन्होंने ना पूरा बच्चे का वो भी बनाया हुआ है साइड पे बेड और उसके लिए पूरी मशीन रेडी की हुई है कि जैसे ही निकालें यहाँ से सीधा बच्चे को यहाँ पे डाल देंगे क्या कही जाता हूँ मैं भी क्या करूँ मेरा पहला एक्सपीरियंस है इससे पहले तो बच्चे कभी नहीं किया मैंने और एक्साइटेड भी हूँ थोड़ा सा यू नो थोड़ी अभी तो बहुत टेंशन थी बेचारी फिजा काफ़ी पेन में थी मुझे ऐसे मौक़ों पर रियलाइज़ होता है कि भाई मर्द को अल्लाह ताला ने मुश्किलें दी हैं ज़िंदगी में लेकिन औरत को जब इस चीज़ से गुजरना होता है ना तो उसकी अमाउंट इक्वली हो जाती है क्योंकि ये जो पेन है ना एक औरत ही बर्दाश्त कर सकती है भाई और कैट इमेजिन इतना ही पेनफुल होता है बंदे को तब तक नहीं पता चलता जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती और आपकी बीवी के साथ ऐसा भी हो रहा होता पहले आई हैव सीन दीज केसेस बिफोर मूवीज वगैरह हर जगह पे बट जब आपके ऊपर आती है ना बात दैट्स डिफरेंट यू एक्सपीरियंस सारी प्रेगनेंसी जो मैंने फिजा के साथ थ्रू आउट एक्सपीरियंस की तो अप्स एंड डाउन होते हैं कितनी दफा प्रॉब्लम होती हैं तो इट विल ऑल बी वर्थ इट इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह अल्लाह करे होपफुली सब सही हो और हमारा बच्चा हेल्दी पैदा हो इंशाल्लाह तो विल कीप यू गाइस अपडेटेड मामू आए थे भी थोड़ी देर पहले अभी गए बेचारे अब काफी टेंशन में थे वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं ऐसे सीन्स पे ना तो फिर उनको वापस भेजे तो अभी वो घर गए हैं तो ये स्नैक्स भी कुछ आए हुए थे फिजा के लिए फिजा तो अभी कुछ खा वैसे ही नहीं सकती ये क्रोइसॉन है क्रोइसॉन हमारे पास जूस है भी और भी चीजें थी ये है पंजीरी कहते हैं ये थोड़ी सी ताकत वाकत के लिए देते हैं इसे खैर इसमें बेसिकली नट्स हैं वो सारे मिक्स हुए ना तो कोशिश तो की है फिजा को खिलाने की लेकिन खैर अभी यू नो दर्द वर्द में नहीं खाया जाता बॉयज एंड गर्ल्स सीन है कि फिर इस क्लब के बाद फिजा की जो पेन थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी तो एज यू कैन सी मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे कि मैं उसको एक डेढ़ मिनट बाद न्यू करके पकड़ रहा था क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी ये पेन इतनी ज्यादा इंटॉलरेबल होती है आई मीन ऑब्वियसली आई कैन टेल लेकिन जो भी लड़के हो गए जिन्होंने जो मदर्स है भी ओनली दे कैन रिलेट और उसके बाद बस ये हुआ थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए उन्होंने कहा चलो भाई इट्स अबाउट टाइम वी आर रेडी और फिर एकदम से उन्होंने बस प्रोसीजर शुरू कर दिया मतलब कि उन्होंने कहते ना रेडी सेट गो भी नहीं क्यों कहते चलो भाई बस हम रेडी कर रहे हैं और ये होने वाला है ऊपर से लाइट उतारी उन्होंने कहा लो जी शुरू हो जाओ तो यूजली होता है कि इंडिया पाकिस्तान में मे बी हस्बैंड्स वगैरह नहीं अंदर होते लेकिन यहाँ पे तो कहते हैं कि हस्बैंड साथ हो आप ये सोचेंगे मैं साथ खड़ा होता और मैं सारा प्रोसीजर देख रहा था फिल्मों और मूवियों में देखना ना चीज़ बहुत डिफरेंट होती है लेकिन जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था ना आई वाज हेल्पिंग हर आउट दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस जो कि भाई फेंट ऑफ हार्ट के लिए नहीं होता बड़ा मुश्किल काम होता है व्हेन एवरीथिंग वाज सेट एंड डन और सारी चीज़ें हो गई थी उसके बाद हमारा बेबी बॉय वाज बॉर्न और उसके बाद मैंने फिर ये सारी क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं क्योंकि फिर स्टेबिलिटी आ गई थी ना पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा यार कसम से मैं
मैं जब आया था ना बेबी मेरे पास से बाहर आया दुनिया में, तो मैं तो बेहोश हो गया था थोड़ा सा। अभी ना मैं मामू का रिएक्शन लेने जा रहा हूँ, मामू बाहर बैठे हैं वेट कर रहे हैं लॉबी में ना। सलाम अलैकुम, मेरे का रिएक्शन ले लूँ जरा। मैंने कंग्रेचुलेशन, थैंक यू, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मैंने कहा मामू का, हाउ इज ही एंड हाउ इज शी? दे आर बोथ गुड। अभी वो, अभी हम आपको अपडेट देते हैं जब मामू को मिलाऊंगा ना मैं उससे, बेबी से। रेडी है मामू फिर है या नहीं रेडी? चलो जी, माशाल्लाह। इससे पहले बेटी से मिली, पहले उससे मिलो। पूरा मेरी जैसा ही है। दो से कान में अजाम है, क्या हो गया यार? सबसे पहले जो मिठाई है मैं तुम्हें खिलाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मिठाई खाने का मजा ही अपने इस वक्त, मुझे भी ना समझ नहीं आ रही बॉयज इंग्लिश अपनी ना फीलिंग को किस तरह एक्सप्रेस करूं। 10 सेकंड्स लेट है, as you can see after all that stress, अब जो मूसा की भूख जागी है और देखें मूसा को अब जोन सा है ना, एक तबाही वाला जो सीन है ना वो शुरू हो चुका है। मूसा यार सुबह से नहीं खाया था कि कल से नहीं खाया? भाई मैं इतनी टेंशन में सुबह से, खाना नीचे नहीं जा रहा था, अब हो गया ना सबसे, अब आराम से फाड़ है खाना। खाओ खाओ, दो दिनों का जोश निकाल रहा हूँ। ये हम लोगों की बीवी ने कसम खाई होती है हमारे सारे पोल खोलने की। एंड एज फॉर द नेम, वो मैं अगले ब्लॉग में बता दूंगा, रिवील कर दूंगा कि मैंने क्या नाम रखा, हम दोनों ने डिसाइड किया। एंड मैं माजरा चाहता हूँ कि ब्लॉग बहुत छोटा है, आई नो, लेकिन सीन ये है कि मैं इतना बिजी था और यू नो ऑब्वियसली जब सारा प्रोसेस चल रहा था तो ब्लॉगिंग वॉज द लास्ट थिंग दैट वॉज ऑन माई माइंड। फिर भी मैंने कई कई मोमेंट्स पे कहा कि कैमरा नहीं बंद होना चाहिए, वो भी मैं आउट ऑफ फनी कह रहा था कि मुझे इन अ वे वियर्ड भी लग रहा था कि मैं सारा यूं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। बट मैंने कहा था ऑब्वियसली यार ये चीज आप लोगों के लिए भी करनी है और अपने लिए भी करनी है, लेकिन व्हेन यू आर इन द मोमेंट ना तब ये चीज आपके दिमाग में आती नहीं है। तो मैं जितना हो सका मैंने दिखा दिया, बाकी आगे जब मेरे बेटे के साथ ब्लॉग आएंगे उसमें तो फिर यू नो आई वॉन्ट बी इन द सेम माइंड सेट, तो फिर तो आराम से बनते रहेंगे, एंजॉय हम करते रहेंगे। अगेन मैंने कुछ कॉमेंट्स देखे पिछली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन, और स्पेशली उन लोगों को जो मुझे शुरू से सपोर्ट करें फ्रॉम कॉलेज डेज। यू नो मुझे इतना मजा है, इतनी खुशी हुई कॉमेंट्स पढ़ के और आप लोगों का प्यार, आपके मैसेजेस देख के, यू नो आई जस्ट मेड माई डे। और मैंने काफ़ी लोगों का रिप्लाई नहीं किया, मैं कोशिश करूँगा सबका रिस्पॉन्ड करने की। आई एम जस्ट रियली यू नो रियली न्यू टू दिस फादरहुड थिंग, तो मैं बस सीख रहा हूँ एज आई गो अलॉन्ग। तो अभी मैं इस सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ और बेबी दोनों सो रहे हैं इस वक्त। तो खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में नेम रिवील करेंगे। और उसके बाद फिर जो मैंने सारा एक घर मूव किया ना, अभी मैं नई लोकेशन पे बैठा हूँ उस पर भी ब्लॉग बनेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना और बेल आइकन भी दबा दो ताकि तुम्हें पता चल जाए। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह।